पर लग जाए परंतु क्या कारण है यहाँ विदेशों से ज्यादातर मजदूरों से आते हैं यहाँ पे? ये ओरिजिनल प्लेटफॉर्म ध्रुपद का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके सितार वगैरह ये सब हैं, तबला ये सब इसमें ट्रेडिशनल ध्रुपद गायकी उद्घाटन हुआ है और हमारे साथ महाराज बनारस है, तो आइए जानते हैं कि 85 वचन ध्रुपद मेला को लेकर ये ध्रुपद मेला कब से आयोजन हो रहा है? 50 वर्ष इसका पूरा इतिहास जानना है। राजेश्वर आचार्य हम लोग कहीं नहीं थे, वो थे, हम लोग आज हैं। इसको बढ़ाने में हम लोगों का पूरा और ये महाराज श्री बनारस स्टेट ऐतिहासिक क्षेत्र है पूरे देश और दुनिया में, तो ये कैसे आई, मतलब जो है कि ध्रुपद मेला होना चाहिए? संगीत की एक बहुत ही दुर्लभ विधा है। इस प्रश्न का उत्तर उसी का पूछो आप राजेश्वर आचार्य, क्योंकि वो लोग शुरू से इसके साथ जुड़े रहे, शुरुआत उन लोगों ने किया, हम लोग तो बाद में इसको इसमें जुड़े। अच्छा, और इसको संरक्षित करने के लिए और क्या क्या किए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं? बहुत कुछ योजनाएं हैं, समय आने पर सब सामने आएंगे। तो देखिए महाराज बनारस का साफ कहना है कि यह जो है थाती को और सजो करके रखना है। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।